माय सेल्फ आशुतोष कश्यप। देखिए हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था जो सोलर सिस्टम, जो कि जैसे आप नोटिस करें कि जब आप फिल्में आसमान को देखते हैं तो आकाश आपको कुछ अलग सा नजर आता है, यानी आपको सन दिखेगा, क्लाउड दिखेंगे और इधर उधर काले और हल्के से लाइट कलर के क्लाउड दिखेंगे। लेकिन जब आप रात को वही देखते हैं तो आपको कहीं कुछ अलग सा नजर आता है। क्या अलग सा नजर आता है? क्योंकि दिन में जो लाइटर स्काई दिखता है यानी ब्लू कलर का, वो रात में आपको ब्लैक बैकग्राउंड में दिखने लगता है। उसके साथ साथ आपको छोटे छोटे स्टार्स दिखने लगते हैं, प्लस आपको मून दिखने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे आसमान में, हमारे स्पेस में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये सब चीजें हमको दिन के समय अलग और रात के समय अलग नजर आती है। इसके भी कई कारण हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा कि जो सोलर सिस्टम या जो हमारी यूनिवर्स बनी है वो कैसे बनी है या उसके बनने के क्या थ्योरी है। देखिए माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू धर्म की मान्यता के अकॉर्डिंग किसी और तरीके से बनी है, लेकिन साइंटिस्ट के माध्यम से, जो साइंटिस्ट की माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये किसी दूसरे तरीके से बनी हुई है। तो आज हम आपको एक वीडियो के थ्रू ये समझाएंगे कि साइंटिस्ट की विचारधारा क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो है यूनिवर्स बना हुआ है। तो इसको मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो अभी आप इसको गौर से देखिएगा। तो लेट्स हैव अ वीडियो। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो स्क्रीन पे आपकी नजर आ रहा होगा कि जो ये थ्योरी है इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कभी कभी इस बात से आश्चर्य होता होगा कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये कैसे बना हुआ है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्स जो हमारा बना है उसके बारे में अलग अलग मान्यता है। तो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई जो मान्यता है वो बिग बैंग थ्योरी की है। तो अभी हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। साइंटिस्ट says that almost 14 billion years ago, the universe was a tiny dot of energy that was dead. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है जब यहाँ पे धरती पे कुछ भी नहीं था तो 14 बिलियन ईयर अगो नियरली, मतलब लगभग 14 लाख साल पहले, 14 करोड़ साल पहले, ये माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक टाइनी डॉट ऑफ एनर्जी था, यानी एनर्जी का एक बहुत ही छोटा सा बिंदु था और धीरे धीरे करके बी वेरी हॉट एंड डेंस। देन दिस टाइनी डॉट ऑफ एनर्जी एक्सपैंडेड इन ऑल डायरेक्शंस एंड बिकेम बिलियन टाइम्स इट्स ओरिजिनल साइज। उसके बाद साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो टाइनी डॉट है ये धीरे 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 करके ये अपने चारों तरफ फैलना चालू हुआ और चारों तरफ फैल के ये अपने साइज से काफी गुना बढ़ गया। At a very quick speed, scientists refer to this event as the Big Bang, the moment when the universe was born. तो साइंटिस्ट इस जो टाइनी डॉट ऑफ एनर्जी के बढ़ने का जो प्रक्रिया है इसको यूनिवर्स के जन्म को मानते हैं और इसी को इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया है। इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग द फर्स्ट पार्टिकल्स स्टार्टेड टू फॉर्म।
जैसे ही ये जो टाइम ऑफ एनर्जी था ये अपने साइज का कई गुना हुआ, उसके बाद इसमें कुछ पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली फॉर्म होना चालू हुए, और जो वो पार्टिकल करना चालू हुए मिनट्स आफ्टर बिग बैंग द लाइटेस्ट ऑफ ऑल मैटर हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म. तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जितने भी एटम होते हैं सबसे जो लाइट एटम होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे अपने यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म होना चालू हो गया. स्लोली ओवर द नेक्स्ट 400,000 इयर्स आफ्टर द बिग बैंग मोर एंड मोर पार्टिकल्स ऑफ मैटर वर फॉर्म्ड. और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये प्रक्रिया चालू होने के करीब 4,000 billion years ago from the Big Bang theory, again new particles are going to develop. सारे पार्टिकल 4,000 billion years ago पर डेवलप होना स्टार्ट हो गए. Gas in this newly formed universe came together and formed clouds called nebulae. और इसी जो ये जो आपका ये जो यूनिवर्स बनी हुई थी इसमें डस्ट और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक क्लाउड्स का फॉर्म कर दिया जिसको नेबुले कहा जाता है. Within these vast clouds, the dust started spinning and turning into hot and dense balls. तो जैसे ही ये डस्ट और गैसेस के जो प्रोसेस थे ये इस टाइनी डॉट के चारों तरफ राउंड राउंड घूमने लगे और ये काफी घने हो गए और घने होते इन्होंने एक बॉल का शेप ले लिया. These extremely hot balls were the first stars. This event took place some 400 million years after the Big Bang. और यही जो गैस के जो टाइम डॉट के चारों तरफ जो डस्ट और गैसेस के जो क्लाउड बने हैं वो क्लोज होते गए बॉल का शेप और आगे चलते करीब करीब 400 million years के बाद ये स्टार्स के रूप में हमको नजर आने लगे. मीन्स ये का जो शेप है वो स्टार्स के रूप में बन गया. Over a long period of time, many stars grouped together and formed galaxies. और इसी तरीके से कई लाख सालों में इसी तरह से कई स्टार्स बने और उन सारे स्टार्स से मिलकर एक गैलेक्सी का रूप ले लिया. गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये गैलेक्सी क्या होती है. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गैलेक्सी जो है वो क्लस्टर यानी झुंड है मिलियन ऑफ स्टार्स का, यानी आपकी जो गैलेक्सी है उसमें कई मिलियन इसी तरह के बने हुए स्टार एक साथ रहते हैं. We stayed in one such galaxy. अब आप बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से हम एक गैलेक्सी में ही रहते हैं. हमारी अपनी एक गैलेक्सी है तो वो इसी तरीके से फॉर्म हुई. गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे. और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे या आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है. ये हमारी अपनी गैलेक्सी. इट वाज फॉर्मड अबाउट 2 billion years आफ्टर द बिग बैंग. ऐसा माना जाता है कि जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है ये जो बिग बैंग हुआ था तो बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर के बाद ही गैलेक्सी फॉर्म हुई है. द सन वाज बोर्न अबाउट 9 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग. इसमें जो हमारा ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि जो जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट है सन वो 9 billion years बाद बिग बैंग से हमारी गैलेक्सी में. सन एंड इट्स प्लैनेट्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर एज ऑफ द मिल्की वे. जितने भी हमारे सन या जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो हमारी गैलेक्सी के आउटर रिंग में रहते हैं यानी जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसमें ये रहते हैं.
Bang theory is just one amongst the many theories that scientists have put forward to explain the origin of the universe. तो बिग बैंग थ्योरी जो आपने अभी पढ़ी इसके ऐसी भी कई थ्योरी साइंटिस्ट ने दी है तो जिसे साइंटिस्ट ने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है इट कम्स क्लोजेस्ट टू एक्सप्लेनिंग ऑल दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस इन द यूनिवर्स तो जितना भी साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी दी है वो सारी थ्योरी के जो सबसे क्लोज में या जो सबसे सही थ्योरी बैठती है वो बिग बैंग थ्योरी है इसलिए ज्यादातर मान्यता इसी को दी गई है हेलो स्टूडेंट तो जैसा कि आपने देखा अपने वीडियो में कि किस तरीके से जो बिग बैंग थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी क्या है और हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सी थ्योरी दी हैं जिनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ लेकिन बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे उसमें कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट थ्योरी है या सबसे क्लोजेस्ट थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स बना हुआ है तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको आज ये बात समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम इसके जो सेकंड टॉपिक है जो हमारा सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम को किन किन नामों से जाना जाता है या हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टिल देन स्टे एट होम बी